is wrong with the banking sector right now this topic is not only important for ssc cgl tier 3 but also if you are someone who is preparing for bank exams this is very very important you need to understand these topics very well and uh, let's go on with the essay सबसे पहली चीज़ uh, मैं आपको समझाना चाहूँगी कि जो टॉपिक है काफ़ी टेक्निकल है इन नेचर तो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में यूज़ करूँगी बट मैं सबको समझाऊंगी मैक्सिम समझाऊंगी uh, काफ़ी जनरल है uh, जो टर्म्स हैं वो भी बट स्टिल यू नीड टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ दीज तो अगर रीडिंग मटेरियल की बात करें मैंने आपको पिछले कुछ टॉपिक uh, से मैं रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ एंड आई होप यू आर एक्चुअली रीडिंग इट एंड इनजॉइंग द प्रोसेस होल प्रोसेस ऑफ लर्निंग सो दिस फर्स्ट आर्टिकल आई पिकड फ पी आर एस इंडिया ब्यूटिफुल आर्टिकल इट एक्सप्लेन्स द राइज ऑफ नॉन परफॉर्मिंग इन इंडिया एंड इट एग्जाम्स इट वेरी ब्यूटिफुली अगर आप सिर्फ़ ये आर्टिकल भी पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक यू नो फेयर आइडिया हो जाएगा समझ समझ आ जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम uh, है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स क्या होते हैं और क्यों बढ़ रहे हैं क्या मेजर्स लिए जा चुके हैं क्या मेजर्स लेने हैं इसी तरह से हमें अपना टॉपिक भी uh, पूरा जो है स्ट्रक्चर करना रहेगा नेक्स्ट है की वॉट आर ये जो है बैंक एन पी एस में राइज परसेंटेज पॉइंट दिस इज इन आर बी आई रिपोर्ट के ऊपर एक टॉपिक आर्टिकल uh, है इकोनॉमिक टाइम्स में दिया था ऐसा सिमिलर आर्टिकल फाइनेंशियल एक्सप्रेस में भी है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो रीड दैट ऑल्सो वो मैंने लिंक प्रोवाइड यहाँ नहीं किया है बट यू कैन गो रीड दैट दीज आर ऑल लिंक्स यू कैन क्लिक ऑन नेम एंड रीड द आर्टिकल्स from the pdf that will be provided to you with this lecture in the google drive. then, you uh, article, what are the uh, professional management uh, which can be, you know, applied to these uh, banks uh, to improve their situation? तो ये दिन है आप इन्हें पढ़िए और समझिए मैंने काफ़ी सारों के नोट्स काफ़ी सारे नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं इसके बट स्टिल आई वॉन्ट टू रीड दीज एस एज गो थ्रू द आर्टिकल गो थ्रू देम एंड यू नो यू गेट द सेंस की वॉट सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज यू हैव टू यूज हाउ यू हेफ टू एक्सप्लेन थिंग्स वॉट डेटा इज रिक्वायर्ड टू बी मैंशन ज़्यादा डेटा मैंने इस आर्टिकल में यूज़ नहीं किया है ऐसे में यूज़ नहीं किया है वाई बिकॉज आई नो ऑलरेडी काफ़ी टेक्निकल है तो I have abstained from using a lot of data. I have used only one data point, but I have explained many others so that you know uh, the things well. Now, uh, if we talk about the first article that we have at hand, then it is about examining the rise of non-performing assets in India. सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि नॉन एनपीए होता क्या है? नॉनपीए होते नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब एसेट्स क्या होते हैं? इसीलिए बैंक के लिए जो भी लोन्स या एडवांसेस वो दे रहा है वो बाहर प्रोवाइड कर रहा है वो उसकी एसेट है क्यों क्योंकि उससे उसको इंटरेस्ट भी आएगा और वो पैसा उसको कहीं से ड्यू है वो वापस आएगा अगर हम देखें इकोनॉमिक्स या अकाउंटेंसी में हम लोग एसेट्स को डिफाइन कैसे करते हैं मनी और मनी वर्थ विच सम वैल्यू तो लोन्स एंड एडवांसेस जो बैंक दे रहे हैं वो एसेट्स हैं अब जब ये एसेट्स परफॉर्म करना बंद कर देंगे उनका परफॉर्म करने का काम क्या है कि उसमें से पैसा वापस आएगा और उसमें से इंटरेस्ट आएगा तो जब वो पैसा आना या इंटरेस्ट आना बंद हो जाए तब हम कह सकते हैं कि वो एसेट्स ने परफॉर्म करना बंद कर दिया है एंड वो बन गई है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स टेक्निकली अगर जो डेफिनेशन uh, है वो मैं तो एन आर लोन्स एंड एडवांसेस वेयर द बोरोअर

बैंक अगर आप न्यूज़ पेपर्स रेगुलर पढ़ रहे हैं तो वो बताओगा हर हफ्ते में एक आधा न्यूज़ तो आ ही जाता है इससे रिलेटेड और आर भी की स्टॉकिंग अबाउट एन तो इससे क्या होता है कि पहली चीज़ अगर आपको ये पता है कि आपका कोई एसेट है वो बैड होने वाला है आपने किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रखा है वो ख़राब होने वाली है तो आप क्या करेंगे कि आप उसको बचा के उसके लिए जो लॉस होने वाला है उसके लिए आप कुछ प्रोविजन करेंगे और अगर आपके लॉसेस बढ़ रहे हैं तो आप प्रोविजन्स भी बढ़ाएंगे है ना कि आप फ्यूचर में बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपको वो ज़्यादा लॉसेज हो इसीलिए जो है बैंक्स जो है प्रोविजन्स बढ़ाने पड़ते हैं क्यों क्योंकि डिपॉजिटर्स जो भी हैं उनका मनी भी आपको वापस करना है नहीं right? उनका मनी आप बैंक से वर्क करते हैं डिपॉजिट जो हैं उसी में से लोन प्रोवाइड करते हैं तो वो डिपॉजिट का पैसा अगर बैंक को वापस करना है तो उसको एक अच्छा प्रॉफिट कमाना पड़ेगा या फिर एटलीस्ट वो पैसा जो उसने डिपॉजिट किया है वो वापस आना चाहिए है ना तो अगर वो वापस आना बंद हो गया इसके लिए उसको प्रोविजंस करने पड़ेंगे और अगर आप बैलेंस शीट की बात करें बैंक की तो इधर हमारी लाइबिलिटी साइड रहती है एसेट साइड रहती है लाइबिलिटी साइड पे आपके प्रोविजंस रहते हैं तो प्रोविजंस एक तरह की लाइबिलिटी है प्रोविजंस बढ़ जाते हैं एसेट्स जो हैं वो कम हो जाती हैं लोन्स कम हो गए बैड लोन्स बढ़ गए ओके बैड लोन्स बढ़ जाते हैं इधर लोन्स कम हो जाते हैं प्रोविजंस बढ़, okay? बढ़, बढ़ जाते हैं तो इससे क्या होता है प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं और अगर बैंक्स के प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे तो आपको भी उसमें तो डिपॉजिट कैसे वापस करेंगे बैंक पहली चीज दूसरी चीज आपको एज अ लेंडर आप एज अ डिपॉजिटर व्हाट विल यू थिंक यार अब प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है तो कैसे किया जाए इसको मतलब uh, प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो डिपॉजिट हम इस बैंक में क्यों प्रोवाइड करें ठीक है तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है प्रॉफिट्स डिप डिपॉजिट्स डिप डिपॉजिट्स डिप होंगे तो क्या होगा कि बैंक के पास पैसा नहीं होगा बैंक लोन कहाँ से प्रोवाइड करते हैं डिपॉजिट से ही करते हैं बैंक के पास पैसा नहीं होगा तो वो लोन्स कैसे प्रोवाइड करेंगे आगे और अगर वो लोन्स प्रोवाइड नहीं करेंगे तो अगर देखा जाए तो जितने भी कॉपोरेट्स हैं मिडिल क्लास हैं हम जैसे लोग हैं हमें घर बनाने के लिए कार लेने के लिए किसी भी चीज़ के लिए लोन चाहिए होता है राइट तो एजुकेशन के लिए भी अगर हम पास लोन ही नहीं होगा तो हमारी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी वो कम हो जाएगी नया बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं होगा लोगों के पास जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो एक्सपैंड करने के लिए पैसा नहीं होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाएगी तो इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाएगा तो देख रहे हैं कैसे ये पूरी चीज़ें कनेक्टेड है हाउ बैंक्स आर कनेक्टेड टू इकोनॉमिक स्लो डाउन हाउ एन पी एस कैन इन इफेक्ट लीड्स टू एन इकोनॉमिक स्लो डाउन इन द इन एनी कंट्री नॉट ओनली इन इंडिया बट इन एनी कंट्री बैंक जो है इस वजह से डिपोजिट रिपे नहीं कर पाते हैं डिपोजिट्स भी कम हो जाते हैं लोन भी कम हो जाते हैं, भी कम हो जाती हैं। और फिर इकनॉमिक स्लोडाउन आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं उसके अलावा कोई भी अगर एडवर्स इकोनॉमिक जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना चल रहा है बहुत लोगों की जॉब्स चली गई हैं बहुत लोगों की सैलरी कम हो गई है तो अब ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे आप जाकर एफ नहीं कराएंगे आप जाके बैंक में पैसा नहीं लगाएंगे आप क्या करेंगे उस पैसे को बचाएंगे अपने पास रखेंगे ज़्यादा कैश इन हैंड रखेंगे ताकि आपको जो घर की रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं वो पूरी होती रहें आपकी राइट तो उस केस में आपकी डिपॉजिट ऑलरेडी कम हो जाएंगे तो जो इकोनॉमिक शॉक्स आएंगे एडवर्स इकोनॉमिक शॉक्स उससे ज्यादा वनरेबल हो जाते हैं बैंक एंड कॉन्सिक्वेंटली जो कंज्यूमर डिपोजिट होते हैं वो रिस्क होते हैं अभी आपने रिसेंटली पी एम सी पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक इसके बारे में कोपरेटिव बैंक के बारे में आपने सुना होगा कि इसके जो डिपॉजिट थे उसको पैसा नहीं मिल रहा था और अभी आपने येस बैंक के क्राइसिस के बारे में भी पढ़ा होगा ये सब क्राइसिस यहीं से एक तरह से राइज होते हैं नॉन परफॉर्मिंग ये आप मैं भी कर सकते हैं बट आई डेंट नॉट है बेसिक आइडियाज इतने मैं आपको समझा रही हूँ ना इतना सब कुछ है ऐसे मैं आपको ना दिखे बट मैं आपको समझा रही हूँ ताकि अगर कोई स्पेसिफिक इस बड़े टॉपिक में से भी कोई स्पेसिफिक टॉपिक अगर उठ के आ जाता है कि सिर्फ आप एनपीए के बारे में समझाइए कि एनपीए से प्रॉब्लम uh, क्या है तो भी आप उसको अच्छे से टू फिफ्टी वर्ड्स में समझा पाएं दैट्स माई मेन पर्पज उ एस के रिटिंग एन पी एज द रिक्वायर अ बैंक टू मेक हायर प्रोविजन फॉर लॉसेज एन ए बुक्स द बैंक मोर फंड पे फॉर एंटीसीबिटी फ्यूचर लॉसेज एंड दिस इलाथ वेवल स्ट्रक्चरल इशूज ये स्ट्रक्चरल इशूज भी कई सारे हैं आपको पता है बैंक के साथ करप्शन भी है इंडिया में तो बहुत ज्यादा और भी बहुत सारे यू नो स्ट्रक्चरल इशूज हैं जिसके बारे में आई डोन्ट थिंक कि ये क्लास में बताना चाहूंगी बट काफी सारे इशूज हैं इस सबकी वजह से लो प्रोफिटेबिलिटी होती है एंड दिस प्रोफिटेबिलिटी ऑफ बैंक इट इज मेजर्ड बाय अ रेशियो विच इज कॉल्ड रिटर्न ऑन एसेट्स रिटर्न ऑन एसेट्स क्या होता है बैंक के नेट प्रोफिट्स अपॉन नेट एसेट्स नेट प्रोफिट्स जब डिप कर जाएंगे तो और नेट एसेट्स भी एक तरह से डिप कर जाएंगी, तो ये पूरा रेशियो जो है डिप कर जाता है एंड uh, इस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी जो है कम हो जाती है इन्वेस्टमेंट्स भी कम आती है बैंक्स में इक्विटी का प्रॉब्लम हो जाता है डेट का प्रॉब्लम हो जाता है देन बैंक्स डिक्लाइन इन भी प्रॉफिटेबिलिटी इन द लास्ट फ्यू इय मेकिंग दलरेबल टू एडवर्स इकोनॉमिक शॉक्स एंड कॉन्सिक्वेंटली पुटिंग कंज्यूमर डिपॉजिट्स एट रिस्क ओके तो रिमेंबर द पी एम सी थिंग अगर आपको नहीं पता है प्लीज गो वॉच सम विडियोज और सम न्यूज रिगार्डिंग इट फ्राम सम गुड चैनल्स ताकि यू गेट दिस आइडिया रवीश कुमार जी ने काफी अच्छा एन डी टी वी पर बहुत अच्छे से कवर कर रखा है अगर आपको पी एम सी के बारे में जानना है प्रॉब्लम समझनी है गो वॉट्स वीडियो ऑन यूट्यूब इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल इफ यू अब हम बात करते हैं कि वॉट लेट टू द राइस इन एन पी एस अब एन पी एस क्या होते हैं आपको पता है एन पी एस प्रॉब्लम क्या होती है पता है लेकिन एनपीएस बढ़े क्यों इतने ज़्यादा इसके मेन तीन रीजंस हैं अगर आप ये जो ओरिजिनल आर्टिकल है वो पढ़ेंगे तो आपको रीजंस उन्होंने भी अच्छे से समझा रखे हैं उस आर्टिकल में बट आई हैव नॉट कॉपीड दैट इंटायर थिंग हियर आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट इन माय ओन टर्म्स ताकि आप लोगों को जो इकोनॉमिक्स या कॉमर्स बैकग्राउंड की नहीं है उनको भी अच्छे समझ में आए कि वॉट आर दीज प्रॉब्लम्स सबसे पहली प्रॉब्लम है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम देखिए बैलेंस शीट्स और ट्विन ट्विन बैलेंस शीट क्यों क्योंकि दो दो चीजों की दो लोगों की बैलेंस शीट में प्रॉब्लम आ गई है पहली कॉर्पोरेट बैलेंस शीट और दूसरी बैंक की बैलेंस शीट ओके अब इसको समझाने के पहले मैं आपको थोड़ा सा आई टेक यू टू द पास्ट इफ यू नो 2008 में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया था ये कहाँ से यूएस में ओरिजिनेट हुआ था ये इकोनॉमिक क्राइसिस हाउसिंग मार्केट में जो हाउसिंग लोन मार्केट होती है उसका जो एक बबल बन गया था वो बर्स्ट हुआ था ठीक है अगर आप चाहते हैं इस बार में डिटेल में जाना आई जस्ट लिंक सम आर्टिकल्स फॉर यू बट आई होप यू ऑल नो कि व्हाट इज द यूएस हाउसिंग लोन मार्केट बबल विच हैपन इन टू इसकी वजह से पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था बहुत ज़्यादा अगर आप इंटरेस्टेड हैं मैं बहुत कम मूवीज़ देखती हूँ तो मैं रिकमेंड करूँगी आपको अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम है या बाद में कभी रहे तो ये मूवी देखिएगा द बिग शॉट थोड़ी डेढ़ दो घंटे की ऐसी कुछ मूवी है काफ़ी अच्छे से का आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ था और कैसे कुछ लोगों ने फायदा उठाया काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है इट बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच तो, तो मेन बात ये है कि 2008 में जो क्राइसिस आया उसके पहले प्री 2008 पीरियड में देर वॉज अ बूम ओके दे कॉर्पोरेट्स वर डूइंग वेरी वेल जो तो कॉपोरेट्स की जो बैलेंस शीट्स हैं दे वर गुड द प्रॉफिट्स वर हाई ये सब देख के कि बैलेंस शीट्स भी बहुत बड़ी हैं प्रॉफिट्स भी बहुत बड़ी हैं बैंक्स ने क्या कर दिया बैंक्स ने इन कॉपोरेट्स को लोन्स प्रोवाइड कर दिए ठीक है नॉट ओनली अभी वाले प्रोफिट्स देख के बट ऑबली किसी के प्रोफिट अच्छा मतलब बिज़नेस अच्छा चल रहा है तो उम्मीद होती है ना आगे भी अच्छा चलेगा तो उन्होंने इस उम्मीद में फ्यूचर प्रोजेक्शंस में और कुछ करप्शन वगैरह की भी प्रॉब्लम्स नहीं हैं प्रोजेक्शन्स के चक्कर में डीके एस एड कि बहुत ज़्यादा लोन्स प्रोवाइड कर दिए अब क्या हुआ टू थाउजेंड एट में हो गया क्राइसिस तो लोन्स जो हैं मिल तो गए थे लेकिन कॉपरेट्स की प्रॉफिट्स कम हो गए लॉसेस बढ़ गए तो वो लोन से रिपे नहीं कर पा रहे थे तो अब कॉपोरेट्स के पास लो कॉरपोरेट क्या कर रहे हैं लोन रिपे नहीं कर रहे हैं तो कॉपोरेट्स की लाइबिलिटी बढ़ गई और किसको लोन रिपे नहीं कर रहे बैंक को नहीं कर रहे तो बैंक की भी जो है असेट्स जो है वो कम हो गई आज धीरे धीरे जो है एन की प्रॉब्लम बढ़ने लगी ठीक है बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया है बहुत ज़्यादा आई होप आई वॉज नॉट टेक्निकल बट दिस इज वॉज टू बैलेंस शीट प्रॉब्लम हाउ इट एंड तो द अरो देश बैंक बैलेंस शीट बोथ वेंट इन अ वेरी बैड शेप बहुत खराब हो गया था इनका सिचुएशन बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस बट ऑल अदर रीजन्स भी थे ये एक मेजर रीजन था जो मैं साइड कर सकती हूँ बट और भी रीजन्स थे और ये जो टर्म है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम ये एक्चुअली एक इकनॉमिक एक एक जो सर्वे आता है उसमें था ये टर्म तो दिस इज अबाउट इट वॉट ट्विन बैलेंस शीट अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है अभी भी कोई चीजें समझ में नहीं आई है इसके बारे में प्लीज आस्क इन द कॉमेंट्स आई बी हैप्पी टू रिप्लाई एंड हैप्पी टू आंसर एक्सप्लेन ऑल ऑफ दिस अब बात करते हैं कि दूसरी प्रॉब्लम क्या थी दूसरी प्रॉब्लम थी प्रैक्टिस ऑफ एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स ये एक तरह की प्रैक्टिस है जो कि बैंक्स में स्पेशली इंडिया में बहुत ज्यादा यूज की गई इसमें क्या था कि आपको जो है लोन्स की प्रिंसिपल रीपेमेंट आप बच सकते हैं जो भी लोन की ड्यूरेशन है आप प्रिंसिपल रीपेमेंट मत करें आप इंटरेस्ट देते रहें और आप प्रिंसिपल अपने पास रखें यूज करते रहें और जब आपका लोन अमाउंट लोन पीरियड खत्म होगा तब आप प्रिंसिपल दे देंगे ठीक है तो इससे क्या होता है एवर रीडिंग ऑफ लोन्स प्रिंसिपल नहीं देते गए एक्सटेंड होते गए लोन होते गए मतलब जाते गए जाते प्रिंसिपल अमाउंट कोई वापस ही नहीं आया इस वजह से भी जो नॉनफॉर्मिंग असेट्स हैं वो बढ़ गए ओके okay? और कई हद तक लोग थोड़े बेमान भी हो जाते, बेमान भी हो जाते हैं कि नहीं देना ठीक है ये चीज भी आपने देखा होगा इंडिया में बहुत ज्यादा है देन फ्रॉड्स ऑफ हाई मैग्नीट्यूड आपने सुना होगा नीरव मोदी के बारे में आपने सुना होगा विजय माल्या के बारे में आपने सुना होगा एयरलाइंस सहारा ये सब आपने सुना होगा ठीक है तो ऐसे बड़े बड़े कई सारे फ्रॉड्स भी हुए ये तो कुछ ऐसे नाम है जो न्यूज़ में बहुत आ गए तो हमें बहुत पॉपुलरली पता लग गए बट और भी कई सारे हाई मैग्नीट्यूड के फ्रॉड्स हुए बड़े बड़े लोग बहुत ज़्यादा पैसा ले लेके हज़ारों करोड़ लेकर जो है देश से बाहर भाग गए इस वजह से भी बहुत बैंक्स पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ गया पी और आई uh, uh, काफ़ी सारे बैंक्स काफ़ी सारे प्रॉब्लम में आ गए नाउ uh, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ना तो ये काफ़ी अच्छा सीरीज़ आया है नेटफ्लिक्स पे मेरे रिकमेंडेशंस बहुत सही होते हैं क्योंकि मैं बहुत कम देखती हूँ आई थिंक बिग बॉय बिल्स करके ऐसा ही नाम है आई थिंक मैंने इसके uh, दो एपिसोड्स तो आई थिंक देखे हैं अभी टाइम तो नहीं मिला मुझे तो यू मस्ट यू नो वॉच दिस वंस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आपको पूरे फ्रॉड्स के बारे में पता चल जाएगा छोटी छोटे अराउंड एक घंटे का एक एपिसोड रहता है इफ़ यू है वॉच दिस बिग बॉय बिली नूल अंडरस्टैंड कि किस तरह से फ्रॉड जो है किए गए और किस तरह से जो है पूरा ये चीज़ बैंक्स को इफेक्ट किया काफ़ी अच्छे तरह से बनाया उन्होंने इसी लिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ नेक्स्ट जो इस आर्टिकल में प्रोवाइड किया गया है कि व्हाट इज बीइंग डन टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोइंग एनपीएस अब एनपीएस बढ़ रहे हैं तो क्या क्या किया जा रहा है अब इसको करने के एक्चुअली हैंडल uh, करने के दो ही मेथड्स हैं दो मेथड्स इस आर्टिकल में बोले गए हैं रेगुलेटरी मेथड्स जैसे कि आप कई सारे लॉज हैं ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है आईबीसी जिसको कहते हैं इसके थ्रू आप जा सकते हैं अदरवाइज आप कुछ जो रेमिडियल मेजर्स हैं वो बैंक्स ले सकते हैं ये रेमेडियल मेजर्स जो है आर बी जनरली प्रिस्क्राइब करता है रेगुलेट करता है एंड इससे क्या होता है वी ट्राई टू इंटरनली रिस्ट्रक्चर द स्ट्रेस एसेट्स जो स्ट्रेस डेट्स ऑलरेडी हैं जो एक एन होने से पहले ना स्ट्रेस पता चलता 90 days है अभी नाइन्टी डेज़ तक पेमेंट नहीं आई तो नाइन्टी डेज जीरो टू नाइन्टी डेज के जो बीच का टाइम है वो एक कह सकते हैं आप स्ट्रेस पीरियड होता है या हमें पता चल तो जाता है इस टाइम पे जो है असेट जो है वो स्ट्रेस्ड असेट्स हैं इनको इसी टाइम पे ठीक करना या जब एन हो गई है उसके बाद भी ठीक करना कि आपने देखा होगा कंपनीज का टेक ओवर हो जाता है और विल टॉक अबाउट कॉपरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग एंड स्ट्रैटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग एज वेल लेटर इन द स्लाइट शो सो दिस इज समथिंग दैट द बैंक्स आर डूइंग एंड दे शुड बी डूइंग ओके नाउ जब नेक्स्ट आर्टिकल की मैं बात करती हूँ तो उसमें क्या है कि ये डिस्कस किया गया है कि आर की जो एक रिपोर्ट आई थी ये आया अराउंड आई थिंक जुलाई में देर वॉज दिस रिपोर्ट जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी में कि बैंक्स एन पी एज में राइज बाय फोर परसेंटेज पॉइंट ड्यू टू कोविड पैंडमिक एंड इस रिपोर्ट के मेन हाईलाइट्स जो है वो मैंने मैंशन किए हैं बहुत ज्यादा डेटा एम नॉट यूज इन द आर्टिकल इन द एसे बट इट इज मैं आई एम एक्सप्लेनिंग वॉर दिस डेटा मीन्स एक्चुअली एंड इफ पॉसिबल आप एटलीस्ट ये वाला जो पहला वाला पॉइंट है ना अगर आप ये याद रख पाए तो काफी हेल्पफुल हो जाएगा आप, लो आप, तो 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 आप लोगों के लिए और एग्जाम में आप लिखेंगे तो इट विल ऑलवेज मेक अ गुड इम्पैक्ट तो जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं ओके ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स रेशियो जी एंड पी ए रेशियो ऑल बैंक इट मे इंक्रीज फ्रॉम 8.5 परसेंट इन मार्च 2020 मार्च 2020 में बहुत ज़्यादा है अगर ये फिगर भी आप देख रहे होंगे आपको कम लग रहा होगा बट ये बहुत बड़ा फिगर है ओके एट परसेंट बहुत बड़ा फिगर है अगर आप बाकी डेवलप्ड कंट्रीज से बाकी कंट्रीज से कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि ये काफ़ी ऑलरेडी uh, बड़ा फिगर है एंड डी इंक्रीज हो जाएगा चार परसेंटेज पॉइंट सेल साढ़े बारह परसेंट आप सोच रहे हैं कि मतलब ऑलमोस्ट वन एट ओके वन एथ इज़ अज नंबर आप इस तरह से देखें तो ड्यू टू शार्प स्लो डाउन इन द इकॉनमी एज अ रिजल्ट ऑफ द लॉकडाउन इन पोस्ट टू फाइट द कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक ये लाइन मैंने एज इट इज यूज़ भी की है अपने ऐसे में क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर थोड़ा सा होता है ना कि आपके पास ऐसे आ जाए तो आप थोड़ा सा उसको थो करेंट सिनारीयों के साथ या करट रिपोर्ट्स के साथ थोड़ा लिंक कर दें तो बेटर मार्क्स मिलते हैं इसीलिए साढ़े आठ से साढ़े बारह परसेंट पे इंक्रीज हुआ है आ, दिस आ, जी एन पी ए रेशो कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक के बाद एंड हो सकता है अकॉर्डिंग टू आरबीआई एंड लेट मी टेल यू दैट दिस फिगर जब भी आर बी आई रिपोर्ट प्रिपेयर करता है ना तो एक वो बेस के है ओके okay? एंड एक वो वर्स्ट के सिनारियो लेता है आप अगर आप लोग ज्यादा टच में नहीं है इस चीज से आपको नहीं पता होगा आरबीआई रिपोर्ट में एक बेस के सिनारियो रहता है एक वर्स्ट के सिनारियो रहता है तो बेस के सिनारियो की अगर हम बात करें तो ये फिगर्स आरबीआई ने अज्यूम करके चली है कि ऐसा अगर ऐसा ऐसा हुआ तो ऐसा होगा और अगर बहुत बुरा हुआ तो कैसा होगा दोनों चीजें उन्होंने इमेजिन करके चले हैं सबसे पहले अगर हम बात करें जी डी पी उन्होंने इमेजिन किया है या ज्यूम किया है कि माइनस फोर पॉइंट परसेंट दीज फिगर्स आर एक्चुअली बहुत कैलकुलेटेड बहुत अच्छे फिगर्स होते हैं ये जो कैलकुलेट किए जाते हैं बहुत ही हाई लेवल स्टैटिस्टिशियंस और इकोनॉमिस्ट प्रिपेयर करते हैं फिगर्स तो वी हैव नो ऑप्शन बट टू बिलीव दिज फिगर्स ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट अ वेरी हाई ऑलमोस्ट एलेवन परसेंट का ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट एंड कंज्यूमर प्राइज इन्फ्लेशन अगेन नॉट वेरी हाई आई से बट दिस इज अराउंड द टारगेट इज तो फोर परसेंट की इन्फ्लेशन अगर ये सिनारी हम इमेजिन करते हैं तो ऐसा होगा ठीक है नाउ सिक्स मंथ लोन जो लोन मॉरेटेरियम था जो बैंक्स दिया गया है वो अगेन जो एन पी ए की पिक्चर है वो डिस्टॉर्ड कर सकते हैं इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि जो एन पी एज है वो ऑलरेडी ख़राब है अगर आप सिक्स मंथ का लोन मॉरेटेरियम दे दें जैसे कि सपोज मैंने अभी जो मिला है कोविड के टाइम पर अगर मैंने एक लोन लिया हुआ है आज सपोज मैंने एक लोन लिया था जनवरी में बहुत क्रूड एग्जाम्पल दे रही हूँ जनवरी में लोन दिया था लिया था मुझे ये लोन जुलाई में वापस करना था ठीक है सेवन मंथ्स में वो जुलाई में ये लोन वापस करना था अब क्या हुआ कि कोविड आ गया मैं जनवरी में पेमेंट कर रही थी मैंने फेबररी में पेमेंट की मैंने मार्च में पेमेंट की अब कोविड आ गया अब मेरे को मिल गई मार्च के बाद कि ठीक है आप छः महीने बाद में बाद तक कर पे करना ठीक है अब मार्च के बाद मेरी जो है एकदम जैसे कहते ना बिजनेस ठप हो गया सपोज और मैं लोन नहीं रीपे कर पाई तो मैं अप्रैल में भी नहीं कर पाई अप्रैल में नहीं किया मैं कर भी नहीं पाती मैं मा में, में भी नहीं कर पाती मैं आगे चल के मतलब जुलाई से आगे वो कितना भी टाइम मिल जाए मैं नहीं कर पाती और उसके बाद भी मैं क्या पता ना कर पाऊँ मेरा बिजनेस पूरा बंद ही हो हो गया हो कोरोना की वजह से तो इसलिए क्या होगा कि अभी तो ये जो टाइम है वो उसमें एनपीए नहीं दिखाई देगा मेरा लेकिन वो बाद में एक्चुअली मेरा एनपीए हो जाएगा आप समझ रहे हैं कि वो टाइम पीरियड जो है वो एक्सटेंड हो रहा है पूरा ऐसा नहीं है कि मेरा एनपीए जो है वो खत्म हो रहा है बट अभी जो एक्चुअल एनपीए वो है बन गया है लेकिन वो दिखेगा नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो ये पिक्चर है एनपीए की कि एनपीए कितना है एक्चुअल वो दिखना बंद हो जाएगा दैट इज द मेन प्रॉब्लम और अगर मैं बात करूं इसमें कि बैंक ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो प्लीज एनालाइज दिस फैक्ट कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जीएनपीए रेशियो है वो बढ़कर 15.2 परसेंट होने जा रहा है मार्च 2021 में प्राइवेट सेक्टर का देखें तो इसका ऑलमोस्ट हाफ है 7.3 और अगर फॉरेन बैंक्स का देखें तो उसका भी हाफ है तो आप देख रहे हैं एफिशियंसी का कितना फर्क पड़ता है फॉरन बैंक सबसे ही और उसके अलावा मैं कहूँगी कि आ, काफी जो इनका पेनिट्रेशन भी है जो इंडिया में काफी कम है फॉरेन बैंक्स का और फॉरेन बैंक जनरली बहुत ही हाई प्रोफाइल कस्टमर्स से डील करते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अगेन कम है और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है एनपीए की वो सबसे ज्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक में है ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो टॉपिक है एग्जाम में वो हो सकता है कि स्पेसिफिक वो लोग डाल दें कि एनपीए प्रॉब्लम इन पब्लिक सेक्टर बैंक उस केस में आपको ये फिगर और ये नॉलेज आपको होना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एक्चुअली जो है ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट प्राइवेट के डबल आप आन के चलिए प्राइवेट के ऑलमोस्ट डबल आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक में ही प्रॉब्लम है ओके okay? और अगर आप ये फिगर भी देखें तो भी मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी में भी ये ग्यारह पॉइंट तीन परसेंट पे बैठा है जबकि ये फोर पॉइंट टू परसेंट पे बैठा है ठीक है तो इसमें भी अगर आप देखें तो इसमें तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं ट्रिपल का फर्क है थ्राइस का फर्क है और बारने वाले टाइम में इसको ट्वाइस का हो जाएगा बट स्टिल ही फर्क आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा है और ये तो और भी कम है इसका भी हाफ है टू पॉइंट थ्री परसेंट है लगभग ठीक है तो ट्राई टू तो एनालाइज दिस फिगर्स फिगर्स याद मत रखिए बट एटलीस्ट जो इनसे क्रक्स निकल रहा है जो समझ समझ आप बना पा रहे हैं कि वॉट द फैक्ट इज वो एटलीस्ट आप बनाने की कोशिश कीजिए अब हम बात करें अगर नेक्स्ट आर्टिकल की तो ये आर्टिकल हमारा आई थिंक ये हाँ ये का, एक यूनिवर्सिटी है उसका मैंने आर्टिकल लिया है तो राइजिंग नॉन परफॉर्मिंग इन इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स रिक्वायर प्रोफेशनल मैनेजमेंट ये पब्लिक सेक्टर बैंक पे स्पेसिफिक आर्टिकल है इसीलिए मैं स्ट्रेस कर रही हूँ प्लीज गो रीड इट देन लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं वो आप और भी चीजों में यूज कर सकते हैं तो एक एक मेजर मुझे आप लोगों को थोड़ा सा समझा देती हूँ मैं ताकि वो समझ में आ जाए कि अभी तक क्या, क्या क्या किया जा सकता है एक्सक्यूज मी अभी तक क्या क्या किया जा चुका है इस सेक्टर में ताकि हेल्प करें पहली चीज कॉर्पोरेट डेट स्ट्रक्चरिंग ये क्या होता है कि आप एक कॉर्पोरेट की जो पूरा डेट स्ट्रक्चर है ठीक है उसकी बैलेंस शीट है या जो उसका डेट स्ट्रक्चर है उसको ही रिस्ट्रक्चर कर दें उसी को इस तरह से मोल्ड कर दें कि उसका जो है डेट्स कम हो जाए और इक्विटी बढ़ जाए मतलब इसमें हम डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर देते हैं ओनर्स कैपिटल में कर देते हैं कई सारी तरीके हैं इसके बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको नहीं बताना चाहिए बट एटलीस्ट वॉट कॉपरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग इज़ कि आप पूरे जो स्ट्रक्चर है कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको दोबारा से रीफ्रेम करें उसमें थोड़ा फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूज़ करें उसका स्ट्रेस कम करने की कोशिश करें और स्ट्राटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग भी इसी से लिंक्ड है इसी का एक आप कह सकते हैं बेटर वर्जन है फाइव बाई ट्वेंटी फाइव स्कीम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है सिंपल वर्ड्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं या जो जैसे जो रोड बनाते हैं हाईवे बनाते हैं इनकी अगर हम बात करें तो इनका जो जेस्टेशन पीरियड होता है ना वो बहुत लंबा होता है मतलब एक आप पहले हाईवे की परमिशन लेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेंगे ज़मीन वगैरह अतिक्रमण वगैरह जो होता है वो सब मतलब उसमें टाइम लगेगा आपका उसके बाद फाइनली जाकर रोड बनना शुरू होगा इतने क्लियरेंसेस के बाद रोड बनना भी कोई एकदम से रोड नहीं बनता है उसमें तीन से चार साल कई बार पाँच साल और अगर माउंटेन ऐसे एरिया में हिली एरिया में रफ टेरेन में तो और दस साल पंद्रह साल भी लगते हैं और जब उससे फायदा आना शुरू होता है वो जो टाइम होता है वो बहुत लंबा होता है जिस्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एनर्जी सेक्टर में तो इसमें क्या होता है कि जो लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो मीडियम टर्म के पाँच से पंद्रह साल के जो लोन्स हैं वो इतने कारगर नहीं रहते हैं तो फाइव बाई ट्वेंटी फाइव स्कीम लाई गई गवर्नमेंट के द्वारा जिसमें आपकी आपके जो है लोन्स को है ट्वेंटी फाइव ईयर्स तक जो है आप प्रीपे कर सकते हैं बड़े लॉन्ग टर्म लोन्स आपको प्रोवाइड किए गए उसके बाद बीच बीच में कैपिटल इन्फ्यूजन का भी इसमें रहता है एवरी फाइव ईयर्स के अराउंड यू गेट कैपिटल इन्फ्यूजन काफ़ी मतलब दिस इज अ टॉपिक दैट यू कैन रीड मोर अबाउट ऑनलाइन ऑल्सो कि बॉड दिस स्कीम इज अबाउट बट मेजर मेजर मैंने आपको समझाती है ये जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह की कंपनीज या सेक्टर्स के लिए है जहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन पीरियड ज़्यादा होता है इसलिए जो टर्म है लोन्स का वो बढ़ा दिया जाता है फिर जॉइंट लेंडर्स फोरम बनाया जाता है ये एक तरह का आप कह सकते हैं ग्रुपिंग होती है देन एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीज के बारे में आपको बताओगा कि जब आपको कोई एनपीओ जाते हैं हो जाता है तो कुछ कंपनीज होती हैं जो इनका मेन काम यही होता है कि वो एन को रिस्ट्रक्चर करें रिकन्स्ट्रक्ट करें ठीक है तो आ, उसमें वो क्या करते हैं जो एन होते हैं वो खरीद लेते हैं और उन कंपनीज़ को किसी तरह उनका मैनेजमेंट चेंज करके वैसे करके कोशिश करते हैं कि प्रॉफिट में उसको टर्न टर्न करें ठीक है देन एसेट क्वालिटी रिव्यू का जो मैकेनिज्म है वो इंट्रोड्यूस किया गया है बैंक्स के लिए देन पब्लिक बेल आउट अभी आपको पता होगा लगभग अराउंड सेवेंटी थाउजेंड करोड़ का पब्लिक बेल आउट अनाउंस किया गया था और अगर क्रूड फिगर्स की हम बात करें तो ऑलमोस्ट एक लाख करोड़ की और जरूरत है बट क्या इतना पैसा है गवर्नमेंट के पास अगेन वी डोंट नो एंड वी कान से बिकॉज कोरोना की बात तो यू you नो know, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम ऑलरेडी आ गई है टैक्सेस भी में प्रॉब्लम आ गई है

कुछ ऑन गोइंग हैं जो चल रहे हैं कि क्या क्या जा सकते हैं तो तो अगर हम बात करें इनकी तो ये वाला जो topic है ना ये मैंने ऐसे नहीं डाला है मैं आपको थोड़ा समझाना चाहती थी इसलिए मैंने सोचा कि आई लिट लेट एक्सप्लेन और दिज पॉइंट्स इन द नोट्स तो प्राइवेटाइजेशन कॉपरेट गवर्नेंस ऑफ पी एस बीज ये एक है कि जो पी हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी जो बोर्ड्स हैं उनको प्राइवेटाइज किया जाए उनको कॉरपोरेटाइज किया जाए ताकि उनमें जो एफिशिएंसी टू इंक्रीज़ द एफिशिएंसी आपको पता होगा कि बोला जाता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक में जब एस वगैरह ऐसे जाओ तो आपको लाइंस में लगना पड़ता है एक काउंटर से दूसरे काउंटर जाना पड़ता है इस तरह की जो छोटी छोटी इश्यूज हैं उसको कवर किया जा सके कि प्राइवेटाइज किया जाए कॉरपोरेटाइज़ किया जाए उसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अलाव की जाए पब्लिक सेक्टर बैंक्स में पब्लिक सेक्टर बैंक को और मार्केट सॉरी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग और मार्केट लेंडिंग को थोड़ा अलग अलग किया जाए किया जाए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है कि अभी आपको पता होगा कि जो आरबीआई है उसने कुछ नॉर्म्स दे रखे हैं प्रायोरिटी सेक्टर क्या आपको जो सेक्टर्स बच ऐसे रहते हैं कि उनको इतना एक्सेस नहीं है अभी लेंडिंग का लोन्स का उनको कुछ एक प्रायोरिटी दी जाती है जैसे कि हाउसिंग हो गया मिडिल क्लास लोगों के लिए हो गए एजुकेशन सेक्टर हो गया या जो फार्मिंग एग्रीकल्चर सेक्टर है वो प्रायोरिटी सेक्टर्स के कुछ पार्ट्स हैं उसको और मार्केट लेंडिंग को जो लोग पे कर सकते हैं उनको थोड़ा अलग अलग किया जाए उसके अलावा एक सिंगल बैड बैंक बनाया जाए जिसमें क्या होगा सारे बैड लोन्स बैड लोन्स होते हैं जो कभी वापस नहीं आएंगे उनको एक जगह इकट्ठा करके वहीं पर खत्म किया जाए इंस्टेड ऑफ सबकी बैलेंस शीट ख़राब करने से अच्छा एक की बैलेंस शीट ख़राब करो ये एक आइडिया आ रहा है देन साउंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड सुपरविजन बाय द आरबीआई एंड लाइक मतलब जो आरबीआई है पी है सेबी है इस तरह की जो, जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है अपना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सुधारें और अच्छे से बेटर तरीके से सुपरवाइज करें तो हो सकता है और बेटर चीज़ें हों बट ये जो ऑनगोइंग ये जो टॉपिक्स हैं ये जो मेजर्स हैं अगर मैं इनकी बात करूं तो ये मेजर्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म मेजर्स है ओके लॉन्ग टर्म मेजर्स ऑब्वियसली ये मेजर्स काफी अच्छे हैं लिए जाने भी चाहिए बट इनके जो रिजल्ट है वो बहुत लेट हमें दिखाई देने वाले हैं इसीलिए आप कह सकते हैं कि डिबेट और डिस्कशन तक ही शायद सीमित रह जाए एटलीस्ट इंडिया के लिए अभी और आगे हमें सोचने की जरूरत है अब बात करें अगर पॉसिबल मेजर्स की तो पॉसिबल मेजर्स में डिवाइस बिजनेस विजन एंड स्ट्रैटेजी फॉर ईच ऑफ द पी एस बी सारे बैंकस के लिए एक बिजनेस विजन हो स्ट्रैटेजी हो लीडरशिप कॉम्पिटेंसी लीडरशिप अच्छे से डेवलप की जाए कैपिलिटीज में डेवलप की जाए फिर हर बैंक की जो स्पेसिफिक रिकवरी ग्रोथ पाथ वो आ, बनाया जाए उसमें एनुअल और मीडियम टर्म टारगेट्स इंडिकेट किए जाएँ कि क्या कहें मतलब एक तरह कॉरपोरेट तरह से उसको जाए, जाए, किया और मतलब कि जो डिपॉजिटर्स बहुत ज्यादा आप लोगों को डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक्स को जैसे कि कुछ जो कहते हैं ना कि बिग डिपॉजिटर्स उनसे एटलीस्ट उनको किसी तरह के बॉन्ड्स वगैरह प्रोवाइड करें डिपॉजिट करने पर कुछ एक्स्ट्रा फ़ायदा प्रोवाइड करें इंटरेस्ट प्रोवाइड करें ताकि जो डिपॉजिट्स हैं वो बढ़े डिपॉजिट्स बढ़ेंगे तो आप आगे लोन भी ज़्यादा प्रोवाइड कर पाएंगे और ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी में बैंक शिफ्ट हो जाएंगे तो आप जब तक इन्वाइट नहीं कर रहे हैं डिपॉजिट तब तक कोई फ़ायदा नहीं है राइट देन रोबस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम देन आई टी एंड एम आई एस आर ऑलवेज नीडेड वाई बिकॉज ये चीज़ें जो हैं वो फ्रॉड्स रिकोगनाइज करने में बहुत सही रहती हैं फ्रॉड रिकॉग्नाइज करने में प्रोडिक्ट करने में और मैनुअली चीज़ें गलत हो सकती हैं कंप्यूटर गलत नहीं करेगा इन ऑल प्रोबेबिलिटी और उसके अलावा इससे करप्शन भी डिक्रीज होता है क्योंकि जो है आपकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है मैं अपनी मर्जी से कि चलो मेरा दोस्त है मैं उसको लोन नहीं प्रोवाइड कर सकती अगर मैं एक बैंक में बैठी हूँ मैं एक बैंक की मैनेजर अगर बन गई तो मैं सिर्फ अपने दोस्त को प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ अगर मेरे पास एक प्रॉपर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें कि सारा उसका डेटा है और अगर मेरे को पता है उसका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है ये चीज़ अच्छी नहीं है तो मैं चाह भी उस इंसान को लोन प्रोवाइड नहीं कर सकती राइट तो ये इस तरह की कुछ मेजर्स हैं जो कि पॉसिबली लिए जाने चाहिए ओके बहुत आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन इट अ लॉट इन अ लॉट ऑफ डिटेल रीजन मैंने वो बता ही दिया है स्पेसिफिक टॉपिक आ जाता है यू एबल टू आंसर ड्राफ्ट अगर मैं इसे ऐसे की बात करूँ बहुत सिंपल ड्राफ्ट है यू टू इंट्रोड्यूस वॉट इज एन एन पी ए वॉट आर द रोल ऑफ Uh, what is the role of public sector banks? Then, why NPA is a problem? Why NPA is rising? Which measures have already been taken and which measures are required? Bohut simple hai. Uh, 250 words I have so This is all about it. Now, when a borrower stops making interest or principal payments on loans and advances, more than 90 days it is termed as a non performing asset. I have explained this already. Then, according to a recent RBI report, the gross performing asset ratio of all banks may increase from this to this. ये भी मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ डेटा फिगर नो प्रॉब्लम नो इशूज दिस इज ऑल अबाउट इट नेक्स्ट आराइजिंग एन पी एज पुट द एंटायर नाउ वाई एन पी एज अ प्रॉब्लम ये मैंने बहुत शॉर्ट में यहाँ लिखा है जितने अच्छे से मैंने आपको समझाया उतने अच्छे से मैंने लिखा नहीं है क्योंकि 250 फिफ्टी वर्ज मुझे पूरा ऐसे लिखना है तो आप समझ रहे हैं कि भले ही आपको कितनी भी नॉलेज टॉपिक के बारे में हो आप भावनाओं में बह बह उसका पूरा नहीं लिखेंगे

अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें ज्यादा लिख दू और इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए बस वर्ड लिमिट बचे ही ना ठीक है माइंड इंड में आपको एक्स्ट्रा शीट वगैरह नहीं मिलती है देन माई एन पी एज अ प्रॉब्लम राइजिंग एन पी ईज द एंटायर बैंकिंग सिस्टम एट रिस्क बहुत शॉर्ट में मैंने लिखी है चीज देन एज एन पी इज एसकेट बैंक नीड टू मेक लार्जर प्रोविजन फॉर लॉसेज इन देयर बुक्स दिस अलॉन्ग विद सेवरल अदर स्ट्रक्चरल इशू अफेक्ट बैंक प्रोफिटेबिलिटी एंड मेक्स दम मनोरेबल टू एडवर्स इकोनॉमिक शॉक्स बहुत सिंपल तरीके से लिखा है बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है टू लाइन्स में टू सेंटेंसेज में बट अगेन आई हैव मेड माई पॉइंट कि वॉट हैपन्स इज के एस्केलेट मेक लार्जर प्रोविजन फॉर लॉसेज स्ट्रक्चर इशूज के साथ अफेक्ट्स द बैंक्स प्रोफिटेबिलिटी एंड मेक्स टू एडवर्स इकोनॉमिक शॉक्स ओके नेक्स्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो गो बैक टू द स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर एंड यू अंडरस्टैंड इशू वेरी नाइसली नाउ अलॉन्ग विद एक्सटर्नल फैक्टर्स विच वॉर इन्फ्लुएंसड इंफ्लुएंस बाय द वर्ल्ड इकोनॉमी पुअर स्टेट दे आर हैव बीन समेसिंग इशूज इन द इंडियन बैकिंग सेक्टर इंडियन बैकिंग सेक्टर एक्चुअली इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स से गुजर रहा है और एक्सटर्नल फैक्टर्स के अलावा भी कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स हमने एक्सप्लेन किए हैं फैक्टर्स दैट रिलेट टू राइज इन एनपीएवर ओवर लेवरेज मीन विद हाई डेट हाईली डेटेड हाई डेट कंपनीज एंड बैड लोन इन कम्बर्ट बैंक कॉन्ट्रीब्यूट मतलब कि बैंक की बैड लोन बहुत ज्यादा है और कंपनीज के पास डेट बहुत ज्यादा है दे कॉन्ट्रीब्यूट टू दिन बैलेंस शीट प्रॉब्लम

वर्ड्स मैंशन करके छोड़े नहीं है ताकि एटलीस्ट आई प्योर टू बी यू नो आई नो थिंग्स अ फ्यू थिंग्स वेन आई राइट इन द एग्जाम देन वॉट आर द मेजर्स मेजर्स की हम बात करें तो मेजर्स लाइक कॉपरेट डेट री स्ट्रक्चरिंग स्ट्रैटेजिक ट्रेड रीस्ट्रक्चरिंग फाइबर ट्वेंटी फाइव स्कीम रॉयल इंडोज फोरम रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज अट क्वालिटी रिव्यू पब्लिक बेल आउट द प्रॉब्लम एट हैंड मैं इसमें एक चीज लिखना चाहती थी पर मैंने लिखी नहीं एट बेस्ट दे 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 इज हिडन द प्रॉब्लम हैव नॉट सॉल्व बट दे हिडन द प्रॉब्लम वॉट इज रिक्वायर्ड इन ग्रेटर लेवल इज अ बेटर बिजनेस विजन एंड स्ट्रेटजी लीडरशिप कॉम्पटेंसीज एंड कैपेबिलिटीज नीड टू भी डेवलप एंड बैंक नीड टू भी नीड टू डिजाइन स्पेसिफिक रिकवरी एंड ग्रोथ प्लान And a robust and IT and MAMIS can prove to be a great game changer. Again, I have included all the points. Then we should realize the health of the banks decides the health of the economy. And with this, I end the essay. Okay. If you see, 250 words explain the entire thing what can be done, what has been done, what should be done. Uh, this is all about it. You have to. लर्न स्ट्रक्चरिंग और ऐसे मेरे पास जितने ऐसे आजकल आ रहे हैं इंस्टाग्राम और आ, कोरा पे मैं पढ़ रही हूँ आप लोगों के ऐसेज आप भेजते हैं जो तो मेजर प्रॉब्लम मुझे लगता है आप लोगों के ऐसेज में कि आपका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है कि आप क्या करते हैं आप एक ही पॉइंट को बार बार लिख रहे हैं या फिर एक ही पॉइंट पॉइंट ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं अपने ऐसे में वो बहुत इशू है कुछ कभी कहीं आ रहा है कुछ कहीं आ रहा है फ्लो मेंटेन नहीं हो रहा है तो प्लीज ट्राई टू मेंटेन फ्लो इन योर ऐसे एंड आई मीट यू अगेन ऑन विथ अ लेटर इनफॉर्मल लेटर राइटिंग ऑन वेनजे एंड मोटिवेशनल कोर्ट यू कैन नेवर क्रॉस द ओशन एंडिल यू हैव द करज टू लूज द साइट ऑफ द शोर दिस इज बाय क्रिस्टोफर कोलम्बस आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा अगर आपको कुछ अचीव करना है लाइफ में दिस इज़ वॉट इट मीन्स प्लीज़ अपने कंफर्ट जोन से बाहर व्हेन वेन कम्स टू राइटिंग एस आल्सो ऑल्सो प्लीज़ गेट आउट ऑफ अ कम्फर्ट जोन्स ट्राई टू एक्सपेरिमेंट ट्राई टू रीड मोर ट्राई टू लर्न मोर एंड देन राइट योर एस रिसर्च अ लॉट मोर एंड थोड़ी मेहनत कीजिए और अब सिर्फ तीन दिन है टीयर थ्री टी टू के बीच में तो प्लीज़ फोकस अ लॉट मोर अभी से एटलीस्ट जो मैं घर आ रही हूँ वो आप समझने की कोशिश कीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ इसके अलावा यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन कोरा द लिंक टू माई प्रोफाइल इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू दिस वीडियो एंड इफ यू वॉन्ट टू यू कैन मैसेज मी ऑन कोरा एज वेल एंड इफ यू वॉन्ट टू इंटरेक्ट विद मी डायरेक्टली and know more about my uh, life generally as a jso i keep posting stories videos and all on my stories so you can connect with me on instagram this is my id dot sharma 38 and you can also ask your uh, doubts in the comments and i hope you're studying well doing well with your lives uh, take care uh, good night